हाँ तो भाई, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा भाई कि इस प्रोडक्शन को देख करके लोग इतने सारे विनिंग कर रहे हैं जो भाई कभी नहीं कर पाता था विनिंग। बता भाई, हमेशा मेरा लॉस हो रहा है, आज मैं विनिंग कर रहा हूँ आपकी वजह से। लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, वो देख के इतना खुशी होता है भाई, मैं ना मत पूछे, दिल जो है ना मचल जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी, जो लोग नए देख रहे हो, जो पुराने तो जानते ही है कैसा वीडियो है ये, जो नए हैं दोस्तों उनको मैं बोलूंगा आप इस वीडियो को पूरा टोटल देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको कैसे विनिंग होती है दोस्तों, ठीक है, कैसे टीम बनती है। ओके तो आइए दोस्तों, आज फिर से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा बोनी बटा, मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छा काम अच्छा बोनी बटा करना चाहिए, क्योंकि जैसा माइंड रहता है ना उस टाइप का आपका सामने दिखाई देता है, मतलब जैसा सोच कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, भगत सिंह के बारे में सोचिए, अभी कैसा आ रहा ताव आता होगा मन में, अरे वाह भगत सिंह जो चाहे उखाड़ देंगे साले, ये ताव। गांधी जी के बारे में सोचिए, वैसे नॉर्मल, जैसे आम के बारे में सोचिए दिमाग में आम आ गया है ना, तो जैसा आप सोचते हैं उस टाइप का आपको सामने दिखाई देता है। तो आप भी इसको सोच करके देखिए ऐसा कि हम इसमें हम जीएल विन करेंगे, इस वीडियो को देख करके समझ करके इसमें, तो आपको उसी टाइप से ये वीडियो दिखाई देगा। अगर नहीं तो दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है, तो गंदगी ही दिखाई देगा, हम चाहे कितना भी सफाई यहां पर लेकर के आ जाए, ठीक है। तो सोच आपका रखना चाहिए कैसा है, बाकी समझाना मेरा काम है, हम पूरा ठूस के समझाएंगे आपको, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं इसमें। हम तो इतना बोलते हैं ना, आप बस मैं समझा रहा हूं आप भूल के दिखा दो, है ना, बस मैं समझा रहा हूँ आप भूल के दिखाओ खाली, बस कोई भी पॉइंट को। तो आइए दोस्तों, मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ, सब कुछ समझिएगा ध्यान से, बस मैं बोला ना कि नियत साफ रखिएगा, जीतने की नियत से इसको देखना है आपको, ठीक है, ऐसे नहीं टाइम पास करने के लिए नियत से नहीं देखना है। तो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के दोस्तों बीच में ये मैच होने वाला है, WPL का 14वां मैच है ये, और मैच ये अगर बात करें तारीख की तो 16 मार्च है, 7:30 बजे दोस्तों ये मैच खेला जाएगा, ठीक है, और बराबर स्टेडियम मुंबई में दोस्तों ये मैच होगा। ओके चलिए, इसका पूरा प्रेडिक्शन आपके सामने रखते हैं दोस्तों, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कौन सा प्लेयर रखना है अपने में, किस प्लेयर को हम क्यों रखेंगे दोस्तों, क्या उसका खासियत है, इस वेन्यू पे क्या किया हो क्या ना किया है, प्लस में कौन हमारा डेथ बॉलर डालेगा, कौन स्टार्टिंग बॉलर डालेगा, मतलब कह सकते हैं A to Z, जिसको लोग बोलते हैं ना स्किल, कि भैया ड्रीम इलेवन चाहे कहीं पर भी आपको जितना है फैंटेसी में, तो आपका स्किल तगड़ा होना चाहिए, स्किल ही दोस्तों इसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका स्किल आप कोई किताब में नहीं दे देख करके पढ़ सकते हैं चाहे लिख सकते हैं, ये मैं जो भी चीजें इसमें लाया हूँ सब सर्च करके गूगल से यहाँ से वहां से हर जगह से व्यवस्था करके, मतलब दिन भर का समय पास करके मैं एक चीज लेकर के आपके वीडियो में, कि आपको बस कम से कम 15-20 मिनट 30 मिनट आपका जो भी समय मिलू उतना मैं सब आपको दूँ, जो मैं दिन भर लगा कर लेकर आया हूँ। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा नियत साफ के थ्री, ठीक है, कि लगे कि हाँ नियत साफ है भाई, चलो एक लाइक कर दिया, अब मजा भी आएगा वीडियो को देखने में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपना टेलीग्राम का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं अब आके टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब भाई ज्वाइन नहीं करेंगे तो इस हिसाब से टीम बनेगा, हालांकि ये चीज सही है कि अपने से भी टीम बनाकर ट्राई करना चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है, उससे अपना एक्सपीरियंस होता है। मगर मेरा कहना यह है कि हम जैसे अभी प्रिडक्शन रखेंगे, अब टॉस जीत के कौन बैटिंग कर रहा है कौन बॉलिंग कर रहा है क्या है, अब भाई पहले बैटिंग करने वाला टॉस जीत करके मैच जीत रहा है कि सेकेंड वाला जीत रहा है, सब रखेंगे इसमें, तो आपको टॉस का अपडेट वगैरह सारा कुछ कह सकता है। अपना जो टीम मैं खेलता हूँ जिस पर्सनल टीम से, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करता, वो मैं आपको सीधा देता हूँ, कोई आज तक मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करता होगा, ठीक है, हम करते हैं आपके साथ में, क्योंकि हमको बस यही चीज हमको लगता है कि बस हम चाहे आप कोई जीते, मैं इतना जरूर मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा CBC चाहे एकाध प्लेयर जरूर चेंज करना, पर जो टीम होती है जो भी अपडेट होती है दोस्तों इस टेलीग्राम पे आपको मैं देता हूँ। इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने का तरीका देखिए, बहुत सारे लोग को नहीं पता है जो नए हैं, बाकी पुराने को पता है, मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ यही चीज कि मोर पे आपको क्लिक करना है, वीडियो जैसे ही चल रहा है इसके मोर पे हम यहाँ पर क्लिक किए, उसके बाद क्या ना दोस्तों मोर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ टेलीग्राम का ऑप्शन देखिए यहाँ पर खुल जाएगा, दो दो टेलीग्राम का लिंक हमने दिया हुआ है, आप इसमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो उस टाइप का ऐसा आपको इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप यहाँ पर ज्वाइन कर ले, आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, हमारे और किसी के आप टेलीग्राम में ज्वाइन होते हैं तो हमारे नाम पे हमारा फोटो जैसे यहाँ लगा है ना, यहाँ पर हमारा फोटो लगा करके लोग पैसा लूट रहे हैं, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं क्योंकि कहीं पर भी पैसा आपसे नहीं लेता, कहीं भी सोशल मीडिया पे मैं पैसा लेता ही नहीं किसी जगह के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया आप वीडियो में बोलते पैसा नहीं लेते मगर आप तो पैसा लेते हैं, हम बोले भाई पैसा हम नहीं लेते, हमारे नाम पे लोग पैसा लेते हैं। देखिए अगर आपको जानना है ना जिस टेलीग्राम से आप जुड़े हैं, आप जाइएगा यहाँ पर देखिए A Cricket Expert Guruji, ठीक है, ये लिखा हुआ उसमें भी दिखाई देगा, मगर जब आप इस पे फोटो पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर कुछ लिंक टाइप का आपको आएगा, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, जिस टाइप का मेरा चैनल दोस्तों जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है वही नाम उसमें दिखाई देना चाहिए, जस्ट वही नाम रहेगा, पूरा स्पेलिंग मिला लीजिएगा, प्लस में यहाँ डैश डैश नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डैश डैश होगा जहां जहां खाली होगा तो वो सब
वो वाला झोल माल रहा है, ठीक है। अपना टेलीग्राम नहीं है, अपना टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो बस यही है लिंक भाई, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री में जीएल टीम जितना मैं खेलता हूँ 6, 8, 5, 4, 3, 2, 1 जितना टीम से मैं खेलता हूँ, जितने पैसे हमारे पास होते हैं उस समय, उतना आपको मैं टीम देता हूँ बना करके, ठीक है। तो हमारी टीम से आप यहाँ से खेल सकते हैं इस टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के। और एक चीज़, और टेलीग्राम में जब भी आइएगा दोस्तों, तो मेरा एक चीज़ मानिएगा जिससे कि मुझे खुशी होती है और आपका हक भी है कि जिस चीज़ से मैं खुश हूँ उस चीज़ को आपको पूरा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं फ्री में आपसे बोलता हूँ सिर्फ एक लाइक या ऐसा इमोजी या ऐसा इमोजी या ऐसा इमोजी, कैसा भी इमोजी सिर्फ आप दे दीजिए हमको, बस हमको और मतलब नहीं था। क्योंकि जब भी हम पोस्ट खोलते हैं टेलीग्राम में डालने के टीम वगैरह, तो हमको खुशी हो जाता है देख करके, ये चीज़ इससे देख करके बस छाती चौड़ा हो जाता है भाई। इसीलिए तो बोलता हूँ पैसे नहीं चाहिए, यही चाहिए बस, ये आप देते रहिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे, टीम देते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। समझ में आ गया बात ना? पैसे तो बिल्कुल किसी को नहीं देना, चाहे जो हो जाए उसके लिए, ठीक ना भाई। याद रखिएगा, अब मत बोलिएगा भाई आप तो पैसे मांगते हैं वीडियो में, नहीं बोलते हम बिल्कुल पैसा नहीं मांगते, हमको पैसा से मतलब ही नहीं है, हम आज तक किसी से एक रुपया नहीं मांगे। देखिए अपना काम है ना मेरा, इसको मैं छू करके बोल रहा हूँ, इसी से मेरा रोजी रोटी सब चलता है, ठीक है। इसको मैं छू के बोल रहा हूँ मैं पैसे नहीं मांगता, किसी एक पैसा मैं आज तक नहीं लिया हूँ, हम मेरे नाम पर सब लूट रहे हैं, ले रहा हूँ, बात की बात है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ। मैं तो बस समझाने पर आपको समझा सकता हूँ कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो बराबोन स्टेडियम मुंबई पिच एनालिसिस की अगर बात करें, पिच एनालाइज करिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, कैसा पिच है। ओके, देखिए एवरेज स्कोर 150 से 170 है, हाईएस्ट स्कोर है 223 गया हुआ यहाँ पर दोस्तों, लोवेस्ट स्कोर है 96, ठीक है। अब बात को समझिए, एवरेज क्या है, इतना के बीच में बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बन पाता एवरेज में ये, बाकी 223 है हाईएस्ट, मतलब बहुत कूट पिट हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर 223 बना है, खूब धुनाई हुआ है तब, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोवेस्ट स्कोर में भी 96 है, मतलब खूब बॉलर अपना एकदम कह सकते जलवा बिखेर दिए हैं, फिर भी यहाँ पर 96 रन बन ही गया है मिला जुला करके, ठीक है। तो मतलब मिला जुला करने के बाद मतलब है कि रन थोड़ा सा यहाँ पर बनता है दोस्तों। पिच सुटेबल की अगर बात करें तो यहाँ पर बैलेंस पिच प्लस में सपोर्ट बॉलर्स को भी यहाँ पर मिलता है दोस्तों, ठीक है, दोनों है, बैलेंस भी है, सपोर्ट बॉलर को भी यहाँ पर मिलता है। इसीलिए आपको बैलेंस में टीम बना कर लेके चलना, ये नहीं कि सिर्फ बॉलर ही घुसेड़ते रहे भाई, सिर्फ बैट्समैन है घुसेड़ दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मल्टीपल टीम आप बना रहे हैं उसमें ऐसा एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये मैच है, कुछ भी हो सकता है इसमें ना, ओके, जरूर ये काम कर सकते हैं। वेन्यू मतलब कि वुमेन मेन्यू T20 स्टेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि वुमेन जो मैच खेला है लेडीज वाला मैच, उसमें T20 का स्टेटिक्स, मैं और का बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्टेटिक्स क्या, देखिए टोटल मैच जो है 16 हुआ है, बैटिंग फर्स्ट बोन किया है 8, तो टू एंड बैटिंग में 8, मतलब कि बराबर दोस्तों, टॉस कोई जीता कोई हारा उससे मतलब नहीं है, मगर जो जीत हुई दोस्तों दोनों का बराबर यहाँ पर हुआ है, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न के नए नजर बता दो दोस्तों, इसमें क्या होने वाला है, बेलो स्कोर 150 से ऊपर जो है कि 4 बार बना है, ठीक है, बिटवीन 150 से 159 4 बार ये भी बना है, बिटवीन 170 से 189 3 बार बना, एबव 190 से ऊपर 5 बार दोस्तों बन गया है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बैटिंग पिच भी है प्लस में आपको बॉलर को भी सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, इसका मैं तो चाहूंगा कि एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको समझ में आएगा जब आप टीम बनाएंगे तब यहाँ क्या क्या कैसे कैसे था दोस्तों। क्योंकि आप, हम यही चीज़ निकालेंगे ना, आप भी यही चीज़ निकालेंगे जो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। मैं तो दिन भर मेहनत किया हूँ, मैं चाहता हूँ उसको मेहनत को साकार हो, कोई ना कोई हमारे टीमों से जीते, हमारे वीडियो से देख करके जीते। जैसे लोग कमेंट करते हैं ना, लोग ना मैसेज करते हैं कि भाई मेरा बोनी नहीं हो रहा था आज तक, हम इतना साल से खेल रहे थे 49 तक वापस नहीं आ रहा था, अब तो जीतने भी लगे। ये चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि लोग अच्छे नियत से अच्छे से वीडियो देखते हैं, इसलिए होती है ना, अगर नहीं देखेंगे सही तो कहाँ से हो पाएगा दोस्तों। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने एक पिछला वीडियो में कमेंट के लिए आपसे बोला था, वो चीज़ मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है, पहले मेन मुद्दे बात करते हैं। रिसेंट मैच एट वेन्यू, मतलब कि इस वेन्यू पर रिसेंट मैच, मतलब तुरंत का फिलहाल का मैच जो हुआ उसका एनालाइज करिए, आपके कैसा हुआ, ठीक है, कहने का मतलब कि कहीं पर जा रहे हैं आप तो किस जगह पर कैसा माहौल रहता है, आप गए वहां से हमको आके बताएंगे भैया ऐसा माहौल वहां पर था यार, बहुत गुंडे मवाली वहां रह रहे थे, यहाँ छीन चपाटी बहुत है यार, वहां पर रात में ट्रेन नहीं मिलता है यार, वहां रात में बस नहीं मिलते हैं, ये चीज माहौल आपको पता चलेगा उस जगह पर जाते हैं तब। ये 4 मैच दोस्तों इस वेन्यू पर हुआ, इसका माहौल मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है, समझिएगा इस चीज़ से, उससे क्या है कि आप जब उस जगह पर फिर दोबारा जाएंगे तो पता चलेगा हमारी छीन छपट ज़्यादा होता है, वहाँ पर पैसे लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा ना, पैसे लेकर के हम नहीं जाएंगे। उसी टाइप से यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि देखिए 14 मार्च को दोस्तों ये मैच खेला गया, रिसेंट का है, ठीक है। तो MI वुमेन्स 162 रन 8 विकेट 20 ओवर फर्स्ट में, ओके। गुजरात वुमेन्स क्या किया, 107 9 विकेट और 20 ओवर, मतलब कि मैच को जीत नहीं पाई दोस्तों सेकंड में खेलते हुए ये, ठीक ना, ये लॉस कर गए मैच को, ओके। उसके बाद इसमें फर्स्ट पेस में देखिए 1 ले गया है, स्पिन में
5 ले गया है दोस्तों। और टू एंड पेस की अगर बात करें स्पिन में 4 और सॉरी पेस में 4 ले गया, स्पिन में 5 लेके गया दोस्तों, मतलब 5-5 विकेट दोनों में गिरे दोस्तों, फर्स्ट पारी या सेकंड पारी मिला लीजिए। पेसर को भी यहाँ पर विकेट 1 और 4 मिला है, ठीक है। अब 10 मार्च की बात कर लीजिए, देखिए आरसीबी वुमेन 138 पे 10 विकेट, ठीक है, 19.3 ओवर खेल करके, ओके। उसके बाद यूपी वुमेन क्या है, 139 रन 0 विकेट पे और 13 ओवर में ही बना के लेके चले गए, मतलब यहाँ पर सेकंड बैटिंग करते हुए विन कर रही है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, फर्स्ट पेस 0 ले गया है, स्पिन 8 ले गया है, टू एंड पेस में 0 स्पिन 0, क्योंकि यहाँ तो विकेट ही नहीं गिरा है तो 0-0 रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर 8 ले गया, यहाँ पर 2 और विकेट किसी हाल से गिरे होंगे दोस्तों इस मैच में। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, देखिए एक अगर इसको हम लोग देखें फर्स्ट में तो इसमें 6 विकेट गिरा है, इसमें अगर देखें हम लोग फर्स्ट में तो इसमें 10 विकेट गिरा है, ठीक है। स्पिन का मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर 5 वो स्पिन ले गया तो यहाँ पर 8 वो स्पिन लेकर गया, ठीक है, यहाँ 2 मैच में स्पिन ज्यादा लेकर के गया। उसके बाद अगला अगर बारी डालते हैं दोस्तों, नजर देखिए 12 मार्च को ही दोस्तों मैच खेला गया, यूपी वुमेन का 159 रन 6 विकेट 19.3 ओवर, ठीक ना। एमआई वुमेन्स तो यहाँ पर देख सकते हैं 164 रन 2 विकेट 17.3 ओवर, मतलब यहाँ पर भी मैच जीत रही है एमआई वुमेन जो कि सेकंड बैटिंग करने आ रही है। इसमें क्या हुआ देख सकते हैं, पेस 0 स्पिन 6, टू एंड में क्या हुआ, पेस 0 स्पिन 2, ठीक है। अब देखिए तीन ही का मैं यहाँ पर कंपेयर किया तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हम इस पिच पर किस टाइप के बॉलर लेके जा रहे हैं, स्पिन कर को लेके जा रहे हैं ना, स्पिन लेके जा रहे हैं कि नहीं, कितने लोग लेके जा रहे हैं स्पिन, सभी लोग तो मेरे हिसाब से स्पिन ही लेके जाएंगे अगर रिकॉर्ड को देखा जाए, क्योंकि स्पिन को ही विकेट मिला, फास्टर को विकेट नहीं मिला, जो पेसर है उसको नहीं ना मिला है ना। इससे समझिए, देखिए ये 8 मार्च को खेला गया है, गुजरात वुमेन्स का 201 रन है, 7 विकेट गवा दिया 20 ओवर में, ठीक है। और आरसीबी क्या वुमेन का जो है 190 रन है 6 विकेट गवा करके 20 ओवर में। अगर इसमें बात की जाए तो फर्स्ट पेस में देखिए 2 है, स्पिन 4 है, ठीक है। और पेस सेकेंड में दोस्तों ये पेसर 3 है और ये, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट कीप हो जाए भाई, स्पिन जो है दोस्तों 3 है, ठीक है। तो ये 4 मैच का कंपेयर जब हम कर रहे हैं तो हमको नजर आ रहा है भाई कि स्पिन का ज्यादा यहाँ पर मामला चल रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ पेसर विकेट ले गए हैं मगर फिर भी स्पिन यहाँ पर भी भारी है, 4-3-7 दोनों अगर पारियों मिला के जोड़ा जाए तब, और यहाँ पर 5 हुआ है दोनों पारियों को मिला करके, तो स्पिन इस मामले में हमको भारी दिखाई दे रहा है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप थोड़ा इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका भी, आप जो कि टीम आप बनाए तो अच्छा आपका टीम बने दोस्तों, आराम से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आराम से दिखाई भी तो दे रहा है, मैंने कैमरा पर भी आके देख लिया इतना में, ठीक है, ये आराम से दिख रहा है आप ले लीजिए। कहे कि बहुत लोग का शिकायत आ रहा भाई कि दिखाई नहीं देता, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने वीडियो को भाई साहब थोड़ा सा 4K में कर लीजिए, ठीक ना, 4K में करेंगे तो सही रहेगा। देखिए अब सेकंड हम स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर हेड टू हेड में आ गए, हेड टू हेड मतलब होता है आमने सामने की बात, मतलब दो टीम जब आमने सामने टकरा रही है तो दोनों में कौन मजबूत पड़ रहा है भारी, जैसे हम आप में झगड़ा होता है तो हम दोनों में भारी कौन पड़ता है मजबूत। तो हेड टू हेड में देखिए टोटल मैच हुआ है एक इन दोनों के बीच में, दिल्ली का जो है कि एक बार विन किया, गुजरात 0 दोस्तों, मतलब गुजरात हारी है जब इन दोनों में लड़ाई हुआ है तब, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें प्रीवियस रिजल्ट क्या चल रहा है, तो दिल्ली का देखिए विन विन लॉस विन विन, ठीक है। उसके बाद गुजरात का लॉस लॉस विन लॉस लॉस, मतलब कि कह सकते हैं अगर 4 बार दिल्ली जीती है तो 4 बार गुजरात हारा है, ठीक है। और दिल्ली एक बार अगर हारी है तो गुजरात गुजरात एक बार विन किया है दोस्तों। इससे समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये टीम थोड़ा सा भारी पड़ने वाला, क्योंकि इसका विजय रथ अभी चालू है, चल रहा है, ये विनिंग करते ही जा रही है, करते ही जा रही है विनिंग, मगर ये 2-2 बार लॉस भी किए, मतलब 4 बार लॉस किए दोस्तों गुजरात, ठीक है। चलिए अगला पारी में चलते हैं दोस्तों, अगला में हमारा नंबर आ जा भैया, ये देख सकते हैं आपको दोस्तों पॉसिबल प्लेइंग 11 है, दिल्ली कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं अभी। इसमें आप यहां पर देखेंगे कौन बॉलर है, कौन ऑलराउंडर है, कौन क्या है दोस्तों, यहां पर सब दिखाई देगा, बैटर कौन है, बॉलर कौन है, ये कीपर है दोस्तों आपका, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। ये आपका बाहर की टीम है, ये आपका कैप्टन है दोस्तों, ठीक है, सही है ना, समझ में आ रहा सब ना। अब दोस्तों इन सब के बारे में इसका भी आप, मैं चाहूंगा एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, 2-3 स्क्रीनशॉट आपके पास हो जाएंगे। अब दोस्तों इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि भाई आखिर शफाली वर्मा क्या है, इस पिच पर शफाली वर्मा का क्या रिकॉर्ड है, कितना रन मारी है, हेड टू हेड में क्या इसका रिकॉर्ड है, ठीक है, दोनों के बीच का सब बताएंगे। अभी तो हम टीमों का हेड टू हेड बताएं, इन दोनों का हेड टू हेड में बताता हूं, एक एक प्लेयर का दोस्तों, देख सकते हैं प्लेयर स्टेटस हमारा आ चुका है दिल्ली कैपिटल। तो यहाँ पर देखिए शफाली वर्मा राइट हैंड बैटर है दोस्तों, राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी है,
पांच मैच दोस्तों खेली है ये, ठीक है। WPL का स्टेटस मैं बता रहा हूं आपको, सब हम अलग से बात नहीं करेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैं WPL दोबारा अब नहीं बोलने वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा समय को बचाना चाहता हूं, क्योंकि भाई मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है। बिल्कुल यार, देखिए अगर किसी चीज को हम समझाएंगे सही से तो लंबा होगा, नहीं तो हमारे अंदर वो भी कैपेबिलिटी है कि हम इसको 5 मिनट में ये पूरा खत्म कर सकते हैं, पर समझ में ही नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं बनेगा, है ना। एक लोग को भी समझ में आता है तो बहुत सही बात है। यहाँ पर देखिए पांच मैच दोस्तों खेली है, 179 रन है, 44.75 का एवरेज स्कोर है दोस्तों इनका। हेड टू हेड की अगर बात करें तो एक मैच के लिए 76 रन ठोक डाली है ना क्या जबरदस्त मतलब है दोस्तों। वेन्यू की बात करें तो 4 मैच में 159 रन है। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, यहाँ पर 0 है, 76 नवाद है, 2 है, 17 है, 84 है। दोस्तों शफाली वर्मा के बारे में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब ये चलती है तो धुआंधार चलती है भाई, बहुत कम मतलब बॉल में बहुत ज्यादा रन बनाने के अंदर इनके अंदर पावर है, बेस्ट हिटर भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो आप अगर लेकर जाना चाहते हैं GL में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों इनको, क्योंकि यहाँ पर 0 पर भी गई है कि हो सकता है इधर जलवा देखने को मिले इनको। अगर ये चलती है तब तो ये टीम आपको सबसे अलग करके बना के देगी, अगर इनको आप लेते हैं अपने टीम में तब, शफाली वर्मा को। और नहीं चली फिर भी आप सबसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि 0 पे भी आउट ये हो सकती है, 17 पे भी आउट हो सकती है, कोई इनका भरोसा नहीं है। मगर चलती है तो बहुत अच्छा चलती है, बहुत कम मतलब कि बॉलों में ज्यादा विकेट लेने के अंदर पावर इनके अंदर, ठीक है। तो आप इनको ट्राई GL के तौर पे कर सकते हैं, मगर रिस्क लेकर के इनके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, हम तो ये बोलेंगे अगर ट्राई कर रहे हैं शफाली वर्मा को आप, तो कैप्टन भी लेके जाइए, चाहे BC जरूर बना के ले जाइए, क्योंकि रिस्क तो आप ले रहे हैं, अच्छा सा रिस्क लेंगे साले को। अगर चलेगी तो अच्छा से चलेगी, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, दूसरा टीम में इसको चेंज करेंगे हम, ठीक है। टीम हम 3-4-5-6 बनाते हैं इसीलिए कि हम एक एक को मतलब सर्कुलेट करते हैं दोस्तों, एक को रखेंगे तो एक को हम छोड़ेंगे, क्यों कि अगर एक को नहीं चला तो दूसरा कम से कम इसमें जम लिए इच्छा चल जाए हमारा, है ना, ऐसा हम लोग क्या करते हैं। इसलिए बोला कि भाई टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसी हिसाब से अपना टीम बना करके आपको देते हैं। देखिए मेग लेमिंग की अगर बात करें तो राइट हैंड बैटर है, 5 मैच के लिए 221 रन है, 55.24 का एवरेज स्कोर है, हेड टू हेड में 21 रन है दोस्तों। वेन्यू की बात करें तो 5 मैच है, 247 रन है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 15-21 नवाद और 43-70-72 दोस्तों। आप इनको अभी लेकर चल सकते हैं GL में, आप आराम से इनको ट्राई कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात इनके अंदर में नहीं है। आप GL प्लस में SL में भी ट्राई कर सकते हैं मेघ लनी को, ठीक है। उसके बाद की अगर बात करें LSC कैप्सिक, तो देखिए राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी है ये, 4 मैच खेली है, 65 रन है, 3 विकेट साथ में ली है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है। वेन्यू की बात करें तो 1 मैच है, 2 विकेट है। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 28-0 है, 6-1 विकेट, 21-0 और 2 विकेट है, 0 विकेट है। मतलब कि वेन्यू मतलब जिस जगह आज खेला जाने वाला मैच, हालांकि इन दोनों टीमों के बीच में तो कोई इनका स्टेटस नहीं है, मगर हाँ वेन्यू पे ठीक है, 1 मैच में ही 2 विकेट लेकर के गई है। तो आप GL के लिए बिल्कुल आप आंख बंद करके इनको ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देख सकते हैं जे रोजर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए राइट हैंड बैटर है, 5 मैच खेली है दोस्तों, 113 रन है, 56.50 का एवरेज स्कोर है, हेड टू हेड में 1 मैच है और DNB कुछ भी नहीं इधर में। रिसेंट परफॉर्मेंस सॉरी वेन्यू की बात करें तो 6 मैच है, 107 रन खेली है, ठीक है। हेड टू हेड में लगे 1 मैच खेली, मगर कोई अपडेट इनका नहीं है। रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, 32 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 25-34 नवाद और 22, मतलब कि आप इनको 30-40 रन के लिए अपने टीम में ले सकते हैं, ठीक है, आराम से, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला आपको अगर लेकर चलती है तब इनको, ओके 30-40 रन आपको देते हुए दिखाई देंगी इस मैच में, ओके। चलिए अगला नंबर पर अगर चलते हैं, मरजाने कैप, ये दोस्तों कैप एक ऐसा बॉलर है, देखे ही थे पिछला मैच में जो हमने इनको कैप्टन बनाकर रखा हुआ था, धुआं उड़ा दी थी स्टार्टिंग में ही, है ना। देखिए राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म मीडियम भी है दोस्तों, 5 मैच है, 89 रन है, 6 विकेट है दोस्तों इनके नाम। और हेड टू हेड की बात करें तो 1 मैच है, 5 विकेट है, बाप रे बाप, हेड टू हेड मतलब इन दोनों टीमों के बीच में जब मैच हुआ है तो 5 विकेट अकेले लेके गई है, ओके। वेन्यू की बात करें तो 1 मैच है, 39 रन है और 0 विकेट है, वेन्यू पे तो कुछ नहीं लिया, हेड टू हेड में ज्यादा विकेट है, मगर इस वेन्यू पे दोनों के साथ में नहीं हुआ मैच, मगर ये खेलिए तो कुछ भी नहीं लिए एक मैच में, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 32 नवाद पे 0, 5 विकेट, 2-0, 16-1, 39 नवाद पे 0 दोस्तों। मतलब हेड टू हेड के हिसाब से अगर आप इनको देखते हैं तो ये 5 विकेट लेके गई है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल बिल्कुल रिस्क आप लीजिए, GL में तो GL में तो आप लेना ही लेना है रिस्क है, ठीक ना, GL में आपको रिस्क लेना ही लेना है, प्लस में SL में भी आप लेंगे, क्योंकि हेड टू हेड में रिकॉर्ड इनका अच्छा है, हम दोनों के बीच में अगर पटका पटकी हुआ है तो आप ज्यादा बार जीते हैं, मैं आपके सामने कमजोर पड़ रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर मैं कमजोर पड़ रहा हूँ तो साला कौनो मैदान हो आप उसमें बाजी मार सकते हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि मैं कमजोर हूं आपके सामने,
ठीक है, तो इनको आप लेके चल सकते हैं, प्लस में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना के लेके चल सकते हैं। ठीक है, जीएल प्लस एसएल दोनों के लिए ये परफेक्ट प्लेयर है। चलिए अगला नंबर पर अगर बात करें, देख सकते हैं ये जेस जॉनसन, लेफ्ट हैंड बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी है, 5 मैच है, 73 रन है, 3 विकेट है दोस्तों। हेड टू हेड की बात करें 1 मैच है, 0 विकेट है। वेन्यू की बात करें 6 मैच है, 2 विकेट। और रिसेंट परफॉर्मेंस 29 नबाद पे 0 है, 0-2 पे 0, 42 नबाद पे 3 है और 0 है दोस्तों। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर 42 नबाद पे 3 के बाद से फिर अच्छा पारी कोई देखने को नहीं मिला, यहाँ पर 29 रन नबाद था दोस्तों। तो इस बार भी हो सकता है देखने को आपको मिल जाए, क्योंकि भाई अगर हेड टू हेड में बात करें यहाँ पर हालांकि 0 है, मगर वेन्यू भी बात करें 6 मैच में 2 विकेट है, मगर यार कोई खास नहीं होने वाला है। 73 रन आप इनको ऐसा है ना जीएल के लिए रिस्क में लेके चल सकते हैं। ठीक है, रिस्की प्लेयर में जीएल के लिए, एसएल में ना लेके जाए इनको, एसएल में आपको उतना फायदा इनसे नहीं होने वाला, क्योंकि चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आप खुद से देखिए यहाँ पर आग के सामने है ना, अगर चल जाएगा तो फिर तो ठीक है, क्योंकि अगर चलती है तो ये 3 विकेट भी लेके जाती है, 42-43 रन भी दे देती है, ऐसा नहीं है। तो रिस्क के तौर पे आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, मगर भूल जाइएगा वो टीम को बना करके, फिर ये टीम से क्या होने वाला है हमारा, कुछ भी हो सकता है। तानिया भाटिया राइट हैंड बैटर है, 5 मैच है, 4 रन है। हेड टू हेड में बात करें तो 1 मैच खेली है, वेन्यू की बात करें तो 1 मैच खेली, रिसेंट परफॉर्मेंस में कोई खास नहीं है दोस्तों। ठीक है, भाटिया के नाम पे आगे अगर बात करें राधा यादव, तो राधा यादव भी देख सकते हैं राइट हैंड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 5 मैच है, 1 विकेट लिया, 8 का इकोनॉमी है दोस्तों। हेड टू हेड में 1 मैच है, 1 विकेट है। और वेन्यू की बात करें 6 मैच पे 4 विकेट ले गए, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है तो 0-1-0-0-0 है दोस्तों, मतलब 1-8 विकेट के लिए उम्मीद है। तो आप इनको लेकर के जा सकते हैं अपने जीएल में, भी एसएल में तो बिल्कुल सोचिएगा भी मत। देख सकते हैं दोस्तों शिखा पांडे, तो यहाँ पर राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म मीडियम भी दोस्तों, 5 मैच है, 8 विकेट है, 6.84 का इकोनॉमी है। हेड टू हेड में 1 मैच है, 3 विकेट ले गए। वेन्यू की बात करें तो 1 मैच है, 1 विकेट। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है तो 3-3-0-1-1। बिल्कुल शिखा पांडे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर कह सकते हैं अच्छा एक प्लेयर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका वेन्यू पर भी 1 मैच में 1 विकेट है और हेड टू हेड में 1 मैच में 3 विकेट लेकर रखे हुए, तो दोनों में इनका मैचिंग कर रहा है, दोनों मतलब प्लस पॉइंट है। ठीक है, दोनों में ओके कर सकते आ रहा है। ठीक ना, आपको विकेट यहाँ पर लेते दिखाई देंगे शिखा, क्योंकि दोनों इनके तरफ जा रहा था। आप बिल्कुल इनको जीएल टीम के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब ए रेड्डी की अगर बात करें दोस्तों, तो राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 3 मैच है दोस्तों और 0 विकेट है, 14 का इकोनॉमी है, वहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमी है दोस्तों। हेड टू हेड में बात करें तो कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे 1 मैच है, मैं कुछ भी नहीं। रिसेंट परफॉर्मेंस में बात करें तो 3 विकेट सिर्फ 1 मैच में लिए, बाकी कहीं नहीं है। ठीक है, तो अगर इनको टीम पूरा 4 ओवर देती है, ठीक ना, इस मैच में, तो आपको ये विकेट लेते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इनका देखना 3 विकेट एक ही मैच में मिल चुका। आप गलती से मिला चाहे अच्छा से मिला, लड़का अगर पास हो गया है 10 का एग्जाम, चाहे नकल करके हो चाहे अकल करके हो, पास हो गया, रिजल्ट उनके हाथ में आ गया। ठीक है, तो पास ही बोलेंगे उसको। ठीक है ना भाई, तो यहाँ देख सकते हैं इनके खिलाफ आप, तो आप इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हो, मैं तो बोलूंगा अभी नहीं ही करने का, मगर हाँ अगर ज्यादा टीम आप बना रहे तो एक आध टीम में लेकर के छोड़ दीजिए उसको भी। ठीक ना, तारा नो रिस्क, क्योंकि ये जीएल है भाई, जीएल में जो रिस्क लेता है वही आगे जाता है। फिक्स प्लेयर तो सभी लेते हैं, 60% 90% 80% वाले सब लेते हैं, मगर जो 10% 5% होता है उसको बहुत कम लोग लेते हैं, अगर वो चल जाता है वही उस दिन जिताता है। ठीक ना, राइट हैंड बैटर, क्योंकि भाई 30 लाख लोगों में आपको आगे जाना है, तो 30 लाख जो लोग काम कर रहे हो तो नहीं ना करना पड़ेगा, तभी आगे जाएंगे ना, उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि लोगों को रोज जीते चाहिए भाई, अगर जीएल आपको जीतना है ना, सच में रैंक 1 लाना है ना, तो आपको रोज जीत नहीं मिल सकता है। ठीक है, आप जो 60% 80% लेकर जाएंगे तो उसमें रोज नहीं मिलेगा, मगर हाँ हारेंगे भी नहीं उसमें, आप है ना, उसमें आप हारेंगे नहीं, बस मेंटेन रहेगा आपका, मगर इसमें अगर रिस्क लेके चलेंगे तो आप जीत भी सकते हैं और लॉस भी हो सकता है, इसमें दोनों काम होगा। तो राइट हैंड बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 5 मैच है, 7 विकेट है दोस्तों, 8.09 का इकोनॉमी है। हेड टू हेड में 1 मैच है, 0 विकेट है दोस्तों। वेन्यू की बात करें तो 1 मैच में ही 5 विकेट लगे गए, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 1-0, 1 विकेट और 0 विकेट और 5 विकेट दोस्तों। तारा नोरिस, ठीक है, देख सकते हैं वेन्यू की मैं बता रहा हूं, मतलब कि इस वेन्यू पे इनका काम अच्छा है। ठीक ना, भले प्लेयर चेंज हो जाए, हेड टू हेड में नहीं है, 0 विकेट यहाँ पर, और इस वेन्यू पे काम अच्छा किया इसने, 1 मैच में 5 विकेट लेके गई है, तो उम्मीदें मेरा भी खास इनसे रहेगा, तारा नोरिस से। तो आप इनको अपने जीएल टीम में बिल्कुल जगह दे सकते हैं। ठीक है, कोई आपको रोक नहीं सकता इसमें। ओके, चलिए अगला नंबर पर अगर बात करें तो बेंच प्लेयर दोस्तों, ये बेंच प्लेयर का नाम आप देख लीजिए, क्योंकि इसका नाम लेने से टाइम और भी ज्यादा लगने वाला है, कोई मतलब नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही बेहतर रहेगा। ठीक ना,
ये देखिए आपको डेथ ओवर और स्टार्टिंग ओवर के बारे में बताता हूँ, कौन आपको डेथ करते दिखाई देंगे, कौन स्टार्टिंग के दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, मरजाने कैप, ठीक है, एलसी कैप्सी, उसके बाद शिखा पांडे और जेस जॉनसन, ये आपको स्टार्ट करते दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट में आपको स्टार्ट करते हुए दिखाई देंगे और ज्यादातर विकेट जो है फर्स्ट में ही और लास्ट में ही गिरने का चांस होता है, बीच में बहुत कम सम होता है। ठीक है, तो यही सब आपको स्टार्टिंग और एंडिंग करते दिखाई देंगे। देखते एंडिंग दोस्तों, यहाँ पर तारा नोरिस और मरजाने कैप, जेस जॉनसन और शिखा पांडे दोस्तों देख सकते हैं, ये आपको इंड करते हुए दिखाई देंगे। ओके, समझ में आ गया ना, तारा नोरिस का 5 विकेट कैसे मिल जाता है, क्योंकि ये इंड करती है, इंड में प्रेशर रहता है। अगर मान लीजिए सेकंड बैटिंग कर रही है अपोजिट टीम, ठीक है, अगर सेकंड बैटिंग कर रही है और रन थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो उसमें तारा नोरिस का आपको जलवा देखने को मिल सकता है। अगर वैसा टाइम आया टॉस जीती, ठीक है, अब बैटिंग कर रही है, तो आपको इनको अगर टॉस जीत कर इसका टीम अगर बैटिंग कर रहा है और फिर सेकंड बॉलिंग करने आ रही, तो आप इसको कैप्टन भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको अच्छा जलवा दिखाई देने वाला है इनका। चलिए अगला नंबर पे अगर बात करें तो ये देखिए बल्लेबाजी है, जिसको मैं खुद ट्राई करता हूं दोस्तों, और बहुत ही अच्छा कर सकता है, विनिंग होता है इसमें हर बार, कभी भी हो, ठीक है, हमेशा इसमें अच्छा विनिंग, क्योंकि इसमें प्राइस भी अच्छा खासा है और प्लस में इसमें बहुत कंपटीशन कम होता है। सबसे मस्त दोस्तों ये देख रहे हैं कितना प्यारा चीज है, ये 2 रुपए में, ठीक है, बोट का हेडफोन कितना में, 2 रुपए में, ये इतना मस्त घड़ी कितना में, 2 रुपए में दोस्तों, बस क्या है 2 रुपए, क्या है 2 रुपए नहीं आपके पास अभी, बिल्कुल है ना, तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, फट से जाइए और जाकर डाउनलोड कीजिए फट से, एकदम 50 रुपए मिल जाएगा, हमारा एक गुरुजी कोड डाल दीजिएगा और मस्त उससे मजा मारिए भाई, 2 रुपए का आप लीग लगाइए, बाकी इधर 6 रुपया, 8 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया जो भी हो, लोग बोलते हैं ना कि हम गरीब है, गरीब अपने कमीशन में होता है, तरीका बहुत है कमाने का, पैसा कमाना चाहे तब, दुनिया झुकती है मगर झुकाने वाला चाहिए, सब कुछ मिलता है दुनिया में मगर उतना खोजने वाला पाने वाला चाहिए। ठीक है, तो आप पाने के लिए अगर चाहत रखते हैं तो आपको हर जगह ट्राई करना पड़ेगा, हर अगर तैरना सीखना तो हर पानी में कूद के तैरना पड़ेगा आपको। आप सोचेंगे भैया हम सिर्फ समुंदर में ही कूद के तैरेंगे, नाला में नहीं तोड़ेंगे, भाई नाला में जाना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग के लिए, तभी आपको समुंदर में कूद पाएंगे, नहीं तो घुसुर जाएंगे समुंदर में ही रह जाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे वहां से आप। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा है, हर लोगों के लिए मतलब ये ख्याल रखा दोस्तों, आपके पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा भी खेल सकते हैं, कम है तो कम भी खेल सकते हैं, प्लस इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,000, 10,000, 2,000, 5,000 का आप लीग फ्री में खेल सकते हैं, फ्री आपको दे रही है टीम लगाने के लिए, जाओ बल्लेबाजी लगाओ, खुश रहो यार बल्लेबाजी, यार मजा आता है भाई, देख सकते हैं विनिंग अच्छा खासा विनिंग है दोस्तों इसमें। ठीक है, आप जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में फट से जाकर ज्वाइन करिए और खेलिए इसमें भी, क्योंकि हमको तो देखो भाई पैसा कमाने से मतलब है, हम बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं ना, कोई भी हमको एप्लीकेशन हो, हमारा कोई घर का रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, ये भी कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा, हम पैसा कमाएंगे इससे, बस हमारा पैसा से मतलब है, पैसा दे रहा है काम खत्म, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर 99,999 का 39 का दोस्तों 1 लाख वाला 100% बोनस, जो आपको बोनस मिल रहा है ना, जो मैंने अभी बोनस मैं दे रहा हूँ आपको जो 50 रुपये, ठीक है, इससे आप 100% लगा खेल सकते हैं, 49 का भी खेल सकते हैं, इसमें कंपटीशन कम है, सबसे बढ़िया ये चीज़ है। देखिए 1,399 लोग हैं इसमें, 0 लोग हैं इसमें अभी ज्वाइन किया हुआ। आप सोचिए आप खुद से कि आप एक टीम बनाते हैं उसमें 10 लोग, 1,300 मान लीजिए, 1,000 लोग आ रहा है, ठीक है, 300 लोग नहीं आ रहा, 1,000 लोग आपके साथ खेलने आ रहे हैं, तो क्या 1,000 लोग के साथ में लड़ाई करना और 30 लाख लोगों के साथ में लड़ाई करना बराबर हो जाएगा, आप खुद सोच लीजिए, बस समझ में आ जाएगा इसका पावर क्या है, बराबर कभी नहीं हो सकता। आप 1,000 लोग से अगर लड़ाई करेंगे तो आपका रैंक ऊपर आ सकता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस आदमी, इतना मैं अच्छे से सिखा रहा हूँ आपको हर चीज, आप अच्छे से टीम बनाएंगे तो ऊपर आ सकते हैं, मगर 30 लाख लोगों के साथ लड़ाई करना वो जल्दी नहीं आ सकता, कई बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब जाके आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आप डाउनलोड कीजिए और खेलना आज से स्टार्ट कीजिए, कम ही टीम बनाए, कोई जरूरी नहीं है यार, कोई जरूरी 50-100 टीम बना के खेलने वाले, अरे 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम, 5 टीम बनाई, हम तो खुद 6-6 टीम से बस लगा खेलते हैं, ज्यादा नहीं, 6 टीम में ही अपना आराम से जीने खाने भर निकल के आ जाता है, इसमें 1 करोड़ रहने नहीं मिलता है, ठीक है ना, कम ही कम मिलता है मगर मिलता है। अब 1 करोड़ के चक्कर में लोग बिल्ला हुए, कब मिलेगा थोड़े कोई पता है यार, 11 प्लेयर अपने हिसाब से पूरा 30 लाख लोगों में सबसे टॉप आपका करना आम बात नहीं है। ठीक है, किस दिन होगा कोई पता नहीं है, यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट करके पैसा कमाइए ना यार आराम से, कौन सा बैटिंग टीम जो अभी टीम खेल रही है वो बैटिंग करके जीत रही है कि बॉलिंग वाला जीतेगा, कौन जीतेगा, यस चाहे नो, जो भी आपके पास ऑप्शन हो उसमें आप पैसा कमा सकते हैं, कोई जो नहीं है कि यस हमारा आ रहा है तो यस में कमाएंगे, अगर लगता है नहीं तो नहीं पे पैसा कमाइए, इस पैसे को आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं जितना चाहे उतना, 5 से 1 रुपए भी कर सकते हैं, 10 रुपए भी कर सकते हैं, अब 500 भी क्या कर सकते हैं, जितना मन आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको विनिंग का चांसेस मिल जाता है दोस्तों, बहुत मतलब कर सकते हैं, ये मार्च का लीग है, जब डिपोजिट करते तो आपको पैसा मिलता है कितना कितना, 3,000 डिपोजिट करेंगे 99 मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ है दोस्तों, 839 का मिलेगा, मतलब डिपॉजिट का ही पैसा मिल रहा है दोस्तों। और आपको सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें बताएं आपको एक चीज है इसमें, कि भाई जब आप इसमें डिपॉजिट करते हैं ना, तो
आपको इसमें रिवॉर्ड मिलता है। अब रिवॉर्ड भाई हर जगह क्या होता है, वहां तो मिलता भी नहीं बड़का वाला में। इसमें क्या होता था पहले कि भाई एक महीना में रिवॉर्ड खत्म, अब नहीं, अब आपका जब भी रिवॉर्ड है वो प्लस होता रहता है, इंक्लूड, खत्म नहीं होता रिवॉर्ड बोनस सब सब कुछ है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो खेलने में क्या जाता है अपने को, मैं खेलता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हम मैं चाहूंगा कि आप भी खेलिए, हमारी तरह जीतिए और सक्सेस रहिए फैंटेसी की दुनिया में। नहीं तो कितने आते हैं कितने जाते हैं रो करके यहाँ पर भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा लक का देखिए गेम है, कोई बोले चाहे ना बोले, स्किल तो बहुत जरूरी है मगर लक भी चाहिए होता है। जिस दिन लक दोनों काम करे तभी आप आगे निकल सकते हैं, तो ऐसे नहीं निकल पाएंगे भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुजरात जायंट्स का पॉसिबल प्लेइंग 11 आ गया दोस्तों, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज है जो मैं बताया आपको, कौन है बैटर, कौन है बॉलर, कौन है आपका कीपर, ठीक है, सब आपको दिखाई दे रहा है कौन कितने नंबर पे आने वाला है, क्या है, ओके। चलिए अगला नंबर आप चलते हैं, यहाँ पर देखिए कैप्टन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्नेह राणा कैप्टन है दोस्तों, ठीक ना। चलिए अगला नंबर पे यहाँ पर आप इन दोनों सबका प्लेयर स्टेटस जानते हैं दोस्तों, कौन कौन क्या है, हम क्या है, हमको पता, आपको नहीं पता ना, वैसे इस सब नमी के बारे में नहीं पता, आइए देखते हैं। राइट हैंड बैटर ये है, ठीक है, 5 मैच खेलिए दोस्तों, ओके। देखिए 5 मैच के लिए 50 रन है, 8-8 में, 1 मैच है 0 है, ठीक है, 0 भी एवरेज है। विनवेनु की बात करें 2 मैच है, 24 रन है, 12 का एवरेज है। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 16-0-8-24-2, ठीक है। अगला नंबर पे अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पर सोफी डोंकली, ठीक है, राइट हैंड बैटर, राइट लेग ब्रेक है, 3 मैच है, 78 रन है, 8-8 में, कुछ भी नहीं है। वेन्यू की बात करें 2 मैच है, 65 रन है, 32.50 का एवरेज स्कोर है। रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, 0-65-13-28-2 है दोस्तों। मतलब डंकली देखिए कभी कभी चल भी जाती है, ठीक ना, कभी चल भी जाती है, कभी नहीं भी चलती है, तो वैसे रिस्क प्लेयर दोस्तों आप लेकर किसको चल सकते हैं दोस्तों। एक चीज मैं भूल गया बोलना आपसे, एक चीज पूछना भूल गया कि भाई इन दोनों टीमों के बीच में आज का मैच कौन जीतने वाला है, तो हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लाइक करने के लिए बोले आपने लाइक कर दिया, टेलीग्राम पे मैंने ज्वाइन करने के बोला आपने ज्वाइन कर लिया, उस पर आपको बोला मैं उसमें एक लाइक कर दीजिएगा उसमें भी कर दिए, मगर हाँ एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि भाई आज का टीम कौन जीतने वाला, जिससे कि मेरा ये पसीना जो निकल रहा है ना इसका मेकअप हो सके दोस्तों, इसलिए मैं करवाता आपसे कमेंट। बाकी और कुछ मैं आपसे नहीं मांगता कि हमको पैसा दो चाहे स्क्रीन शॉट करो, ये कुछ नहीं चाहिए मेरे को, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। जो यहाँ तक देखता होगा जरूर बताएगा कमेंट करके कि हाँ भैया ये टीम जीतेगा, नहीं तो जो आगे आने वाला खुश किया हो, नियत ही सही नहीं तो क्या करेगा, वो नहीं देख सकता ना वो वीडियो, उसका दिमाग जो है ना हलचल रहता है, वो कभी शांत रह नहीं सकता, हो इधर उधर ये हो कर लेते वो कर, ये नहीं होने वाला। एक जगह फोकस करो, तो मछली का निशाना जो है ना आँख पे लगना चाहिए, आँख लगना चाहिए बस, चाहे जो हो जाए उसके लिए, ठीक है। फोकस बहुत जरूरी है, फोकस करेंगे तभी कुछ हो सकता है आगे, नहीं तो नहीं हो सकता है। पूरा जिंदगी फोकस पे बीतता है भाई साहब, फोकस जो रखेंगे आप वही आपको आगे दिखाई देगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखाई देगा आपके सामने, ठीक है। जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का टीम कौन टॉस, सॉरी कौन मैच जीतने वाला है, ओके, आरसीबी या दिल्ली। हमको पता है ज्यादातर लोग क्या लिखेंगे, मगर मैं नहीं बोलूंगा, आज आपके हिसाब से चलेगा क्या होता है, ठीक है। देखिए हरलीन देवल की अगर बात करें, राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है दोस्तों, 5 मैच है, 155 रन है, हेड टू हेड बात करें 1 मैच है, 20 रन है, 20 एवरेज है। वेन्यू की बात करें 4 मैच है, 113 रन है। रिसेंट परफॉर्मेंस 22-20-67-46-0, मतलब जब भी इनको दोस्तों मौका मिला तो कुछ ना कुछ रन ये दे करके गई है, तो आप इनके टीम से इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें जीएल के लिए, ओके, एश्लिन गार्डनर की बात करें तो राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, 5 मैच है, 52 रन है, 7 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मैच है, 0 रन है और 0 विकेट है दोस्तों। वेन्यू की बात करते 105 मैच खेली है दोस्तों, ये सॉरी 10 मैच खेली है, 235 रन है, 18 विकेट लेके गए दोस्तों, क्या ही विकेट है भाई। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 8-3 है, 0-0 है, 19-3 है, 25-0 है और 0-1 है दोस्तों। और दोस्तों मैं कमेंट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं जो कमेंट करता है ना, मैं देखता हूँ हमेशा रेगुलर किसका कमेंट आता है, मैं उसको कुछ अपने तरफ से गिफ्ट भी दे दूंगा, मगर मैं ये नहीं बताऊंगा लोगों की तरह आकर के मैं गिव अवे कर रहा हूँ, चाहे ये कर रहा हूँ वो करो, नहीं, बस ऐसे ही शांत मन मेरा जिस दिन बना बस उठा करके उसको गिफ्ट जाएगा, गिफ्ट जो जाएगा ना भारी भरकम जाएगा, देखिएगा हम दे रहे हैं गिफ्ट, ठीक है। किसी को पहला बार कर सकता है गिफ्ट देंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट कर दीजिए किसी, जिससे दिल खुश होता है, जिस पे दिल खुश हो जाएगा भैया कि हाँ रोज ये करता है कमेंट बंदा है, सही है यार, इसका जो कमेंट किया हुआ बात हो सही होता भी है तो भाई अच्छा खासा उसको तो बनता है ना, तो गिफ्ट आपके यहाँ जाएगा। अब पिछला मैच मैंने एक कमेंट करवाया था कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो को देखे, हमने उनका स्क्रीन शॉट मार्क रखा हुआ है, जो उस टाइम कमेंट किया हाँ मैं अभी तक देख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे लोग को क्या है गिफ्ट जाएगा हमारा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बस आईपीएल आने दीजिए, उसमें क्या सभी को मैं स्क्रीनशॉट मार कर रखा हूँ, बस पता पूछूंगा कि ये नाम से ये पता था भाई कौन था, अगर के बता देने का हमको अपना चैनल दे देना मेरे को, कि मतलब पता चल जाए कि हाँ यही था ओरिजिनल, हम पहचान भी करेंगे ना, तब ना गिफ्ट हमारे तरफ से जाएगा आप लोग को, टेंशन ना लेने का, ठीक है। अब क्या जाएगा ये मेरे को पता नहीं है, ठीक ना, याद रखिए मगर जाएगा, इसलिए कमेंट करने में चूकिएगा मत,
यहाँ पर देख सकते हैं सदरलैंड की अगर बात करें, राइट हैंड बैटर, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 4 मैच है 28 रन है, 3 विकेट है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है। विन्नू की बात करें तो 5 मैच है 15 रन है, 3 विकेट है दोस्तों। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें 0 पे 0 है, 14 पे 2 विकेट है, 8 पे 1 विकेट है दोस्तों, 6 पे 0 विकेट और 0 विकेट दोस्तों है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो सदरलैंड का भी दोस्तों कहानी थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, मगर हाँ इस बार कम बैक कर सकती है, कोई भय भय भरोसा नहीं है, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं हेमलता, तो राइट हैंड बैटर है, 5 मैच है 77 रन है, हेड टू हेड में 1 मैच है और 5 रन है, 5 एवरेज स्कोर है। वेन्यू की बात करें तो 2 मैच है 22 रन है और 11 का एवरेज स्कोर है। रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, 5, 5, 16, 21 नबाद और 29 नबाद। दोस्तों टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उसी पे मैं अपडेट करूंगा भाई कि हाँ मैं किसको गिफ्ट देने वाला हूँ। आप हमको इंस्टाग्राम पे आकर मैसेज कर दीजिए, अपना पता बता दीजिए, मैं जो कि भेज पाऊँ अपना गिफ्ट वहाँ तक, ठीक है। जब रहेंगे तभी तो करेंगे ना, नहीं तो टेलीग्राम पर रहेंगे नहीं तो हम किसको अपडेट करेंगे, कौन आएगा आपके जगह पर, दूसरा कोई आकर लेके चला जाएगा। इसलिए हमको ओरिजिनल बंदा चाहिए वो, ठीक ना, जिसपे मैं देने वाला हूँ। कुछ कम से कम 10-20 लोग तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, अब 20 क्या है की बार जाएगा गिफ्ट, जो भी जाएगा, अब क्या रहेगा हमको नहीं पता अभी, ठीक है, मगर हाँ भारी भर कम ही चीज जाएगा जो भी जाएगा। ओके चलिए अगला नंबर पर आप बात करें, क्योंकि गुरु जी गिफ्ट देगा, कोई झंडू मंडू गिफ्ट नहीं देगा, ठीक ना, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वर्मा की बात करें, इस वर्मा की तो राइट हैंड बैटर है, 4 मैच है 34 रन है, हेड टू हेड में 1 मैच है 2 रन है, 2 का एवरेज स्कोर है। वेन्यू के 2 मैच है 23 रन है, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 18 नबाद है, 2, 25, 9 नबाद और 13 है दोस्तों। ये सब गजब गजब का मैच सब खेला है भाई, ये लोग क्या है बताओ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं एस राणा, राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, 5 मैच है 34 रन है, 3 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मैच है 2 रन है। वेन्यू की बात करें तो 2 मैच है 22 रन है, 1 विकेट साथ में लिया। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 0 पे 1, 2, 2, 0, 9 नबाद पे 0 और 1 पे 2 विकेट है दोस्तों। बहुत बेकार सिस्टम है, लोग अच्छा चलता है यार, क्या ही बताओ, मस्त मजा ही नहीं आ रहा, किसको मैं सिलेक्ट करूं समझ में नहीं आ रहा। कुछ उस टाइप का प्लेयर भी नहीं दिख रहा जो मतलब कि पहले आक्रमण किया हो, भले अभी लूज चल रहा हो, सब वैसे ही उसी टाइप का दिखाई दे रहा है यार। किम गर्थ की अगर बात करें, राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 4 मैच है 6 विकेट है, हेड टू इसको तो देख के मेरे को आरसीबी वाला याद आ रहा है, पता ना क्यों। हेड टू हेड में 1 मैच है 32 रन है और 0 विकेट है। वेन्यू की बात करें तो 3 मैच है 1 विकेट है। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 1, 0, 0, 5, 0। तो दोस्तों 5 कम से कम एक बार बनाइए, इसका मतलब इसके अंदर पावर है, ठीक है। आप बिल्कुल इसको जीएल टीम में लेकर के ट्राई कर सकते, भाई कोई तो प्लेयर चाहिए ना इस टीम से भी, सब हम उसी टीम से थोड़े लेके जा पाएंगे, इसको आप जीएल के लिए बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए आगे अगर बात करें मानसी जोशी, तो राइट हैंड बैटर, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 5 मैच है 2 विकेट है, 10.28 का इकोनॉमी, बढ़ा हुआ एकेडमी है भाई। हेड टू हेड की बात करें 1 मैच है 0 विकेट है। वेन्यू की बात करें 2 मैच है 1 विकेट है। रिसेंट परफॉर्मेंस 7 नबाद 0, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। इसको सिलेक्ट किया जाए, समझ में आ रहा कुछ आप लोग को। तनुजा कन्वर की बात करें, राइट हैंड बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 5 मैच है 2 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मैच है 0 विकेट है। वेन्यू की बात करें 2 मैच है 1 विकेट है। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 1 मैच 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस ये दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको। चलिए अगला पे अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेयर बैटल पूरा खत्म हो चुका है दोस्तों ये। ओके इनके प्लेयर का लिस्ट पूरा खत्म हो चुका है, ये आपको बेंच प्लेयर आपको दिखाई देते होंगे। और दोस्तों एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मैं प्लेयर बैटल भी अब लेकर के आ रहा हूँ, कौन किसको आउट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, कितना बार आउट किया है, ये सारा कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में अब दिखाई देने वाला है, बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस IPL धुआं उड़ा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, धुआं धुआं कर देंगे पूरा, हर एक चीज को छूटना नहीं चाहिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, मेहनत पूरा जम के करेंगे। अब आप पता ना उतना मेहनत से देखते हैं कि नहीं वीडियो, नहीं देखते हमको नहीं पता है, मगर हम तो करेंगे जम के भाई, ठीक है। अभी भी देखिए अगर 30 मिनट का वीडियो ये बना होगा तो मैं 30 मिनट पूरा खड़ा ही हूँ अभी, लगातार बोल भी रहा हूँ, हलक जो है कि सूख जाती है यहाँ के होंठ जो है, लगातार आप 30 मिनट लगातार बोल के देखिए सूख जाएगी आपके होंठे, मगर क्या कर सकते हैं, हमारा काम आइए, बोलना ही पड़ेगा हमको, बोलेंगे तभी तो आप लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे तो फिर टीम बनाएंगे, जीतेंगे तो कुछ कमेंट, जैसे इंस्टाग्राम पर लोग मैसेज करते हैं हाँ भैया आज हम जीते भाई, जिंदगी में पहली बार इतना जीते हैं, तो उसको देख करके दिल खुश हो जाता है, चल भैया जब जितना वोट सब हरियाली आया था, चाहे चल सूखा तो सूखा मगर लोग जीत तो रहे, कम से कम देख अच्छा लगता है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर की बात करते हैं दोस्तों, इन दोनों टीमों से पहला मैं तो मैं बता दिया वो कौन कौन क्या होगा, अब दूसरा टीम का देखिए क्या होगा। अश्लिन गार्डनर दोस्तों, किम गर्थ, उसके बाद स्नेहा राणा और तनुजा कन्वर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये डेथ में करते आएंगे अश्लिन गार्डनर और एनेबल सदरलैंड, उसके बाद सेन राणा तनुजा कन्वर,
ठीक है, ये मतलब स्टार्ट और बैट करते हुए दिखाई देंगे आपको दोस्तों ये बॉलर, ठीक है, यही लोग ऊपर नीचे करके बॉलिंग फेंकेंगे। उसके बाद देखिए आगे अगर आते हैं दोस्तों, तो ये फिर से मैं आपको टेलीग्राम का याद दिला दे, जहां पर आपको विनर का भी मैं अनाउंस टेलीग्राम पे ही करूंगा कौन हमारा विनर है और किसको मैंने सेलेक्ट किया होगा, किसके पास हमारा गिफ्ट जाने वाला है, ठीक है, इसी टेलीग्राम पे दूंगा दोस्तों। प्लस में ये जो 6-6 टीम 5-5 टीम जो दोस्तों, ये सब आपको इसी टेलीग्राम पे ही देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोलूंगा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोस्तों दिया हुआ है, आप जाइए फटाफट जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और साथ में बल्लेबाजी का लिंक भी वहीं पर होगा, बल्लेबाजी को डाउनलोड कर लीजिए अगर फैंटेसी में सक्सेस रहना है तब, नहीं तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि ये ग्रैंड लीग है जो 30 लाख 40 लाख लोगों में खेलने वाला, उसमें कोई भरोसा नहीं है, आज होगा कि कल होगा परसों का कोई पता नहीं, मगर जब भी होगा प्रोसेस यही रहेगा, सारा हमको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी इसके स्टेट्स होते हैं जो भी इसका मापदंड है सब फॉलो करके ही हम टीम को बनाएंगे। अब जिस दिन लगेगा वो पता नहीं, जैसे आटा सानने के लिए कैसे फॉलो किया जाए, भाई आटा चाहिए उसमें पानी चाहिए, सानेंगे तभी रोटी बन सकता है, तवा चाहिए, है ना, वो प्रोसेस को आपको करना पड़ेगा तब जाके बनेगा, तो प्रोसेस यही है दोस्तों वहां तक पहुंचने का, बाकी और कोई प्रोसेस इसमें नहीं है, ठीक है। अब रही बात हमारी टीम के, देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी कुछ टीम है दोस्तों, आप लोग बोलते हैं ना कि भाई दिखाई नहीं दे रहा, कैसे नहीं दिखाई दे रहा यार, हमको तो यहाँ पर सभी का सभी दिखाई दे रहा, आप स्क्रीन शॉट मारिए तो देखिए, आप पहले वीडियो को फोड़ के मैं कर लिया गया, साफ तो दिख रहा है यार, इसको थोड़ा जूम करेंगे साफ दिख जाए, क्यों बोलते हैं आप लोग हमको समझ नहीं आ रहा, अगर देखिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक का नाम बताता हूँ, देखिए सफाली वर्मा दोस्तों, ठीक है, मेघ लर्निंग है और एस वर्मा है, एच देवोल है, जे जॉनसन है, के गर्थ है, ए गार्डनर है, एम काप है, उसके बाद राधा यादव है, टे नो नूरिस है और एस पांडे दोस्तों है, ठीक है, ये इसी में से दोस्तों एक एक बस रोटेट किया हुआ होगा और सीबीसी रोटेट किया होगा बस, और कुछ भी हमारे टीम में ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है, देख सकते हैं एक ही चीज रहेगा आपको, ज्यादा दिखाई नहीं देगा, मगर हाँ एक एक प्लेयर आपको रोटेट करते दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे पास 11-22 प्लेयर होते हैं दोस्तों, 22 को हम लेकर के नहीं चल सकते, 2200 में कुछ ऐसे प्लेयर का हमने नाम लिया आपके सामने जो काम के नहीं है, तो उसको लेकर चलने क्या मतलब, हाँ एक दिन अलग है कि वो काम कर दिया वो बात की बात है, मगर वो काम के नहीं थे, जो काम के हमने सबको सेलेक्ट इनमें कर लिया है, रोटेट भी करके रख दिया, ठीक है, तो आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर रही बात दोस्तों आपको क्वालिटी अगर कम आ रहा है तो हम कैमरा भी लेने जाने वाले हैं दिल्ली कुछ ही दिन, बस 2-4-5 दिन में, ठीक है, आज 15 हो गया ना, 21-22 को जाएंगे तो कैमरा भी लेकर के आ जाएंगे आपके सामने, और भी अच्छा आपको क्वालिटी दिखाई देगा, अब तो पूरा सुई भी दिखाई देगा, कैमरा आ जाएगा तब, हालांकि ये भी कैमरा ठीक ठाक है मगर उतना क्लियर अगर नहीं हो रहा तब के लिए, ठीक ना भाई, तो बस सब कुछ देंगे, उम्मीदें रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है, उम्मीद रखेंगे सब कुछ होगा, बस हाँ ईमानदारी से काम करें, जो मैं बोला लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देंगे बहुत बड़ी बात है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है जरूर एक लाइक कीजिएगा यार, ओके, चलिए फिर मिलता हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जानदार वीडियो के साथ दोस्तों, कह सकते हैं इससे भी अलग स्टेट्स और इससे भी अलग हम पावर लेके आ सके, उसके लिए एक जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरा मन खुश हो, दिल खुश हो, हम खुशी से काम कर सके दोस्तों, ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।